8 जुलाई 2023 को दो वायरल वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से मिले, जिन वीडियोज में एक व्यक्ति जिसका नाम तेजबली है, ग्राम पहाड़था थाना क्षेत्र सागंज का रहने वाला है और यह विद्युत विभाग में संविदा पर लाइनमैन का काम करता है। वीडियोज में यह व्यक्ति राजेंद्र नाम के एक व्यक्ति को, जो कि बहुबार थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र का रहने वाला है, वह अपने मामा के घर बालडी में आया हुआ था दिनांक 6 तारीख, जिसमें उसके मामा के घर में कुछ बिजली की खराबी हो गई थी जिसको चेक कर रहा था। तब तक ये लाइनमैन जो है तेजबली उसको गया मारने पीटने लगा। मारने पीटने के अलावा वीडियोज में यह भी है कि वह उसको कान पकड़ के उठाया बैठाया और अपने जूते चटवाए उससे। मामला जैसे संज्ञान में आया पुलिस के, सागंज थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों, सोनभद्र के वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय बेनी जी से हमारी बात होने जा रही है। विजय बेनी जी, आज की जो घटना हुई है उसके बारे में मुझे बताएं कि घटनाक्रम क्या था। जी, घटना आज की नहीं है, घटना तो यह गुरुवार 6 जुलाई की है। जी जी जी। एक नौजवान है जिसे आप वीडियो में देख रहे होंगे, जिसे पीटा जा रहा है और जिससे चटवाया थुकवाया जा रहा है। जी जी। उसका नाम राजेंद्र पुत्र राम निवास श्री राम है। जी जी। वह ग्राम बगुआर का रहने वाला है, जी क्षेत्र का, और वह बालडीह सागंज थाना क्षेत्र के बालडीह गांव में जी अपने नाना के घर नंदू पुत्र दुलारे के यहाँ जी गया था। जी। उसके घर की लाइन खराब थी, संभवतः उसके ननिहाल की। जी जी। तो वह शायद कुछ बिजली का काम जानता था, तो वह लाइन खराब थी, फॉल्ट ठीक करने लगा। जी। इसी बीच सागंज पावर हाउस पर तैनात संविदा कर्मचारी तेजबली सिंह पुत्र रामधनी निवासी ग्राम उड़ाथा जी जी पटेल हैं। जी जी। आए और गाली गुप्ता देने लगे और उसके बाद उसको जिस तरह पीटा गया उसको सब लोगों ने सार्वजनिक रूप से वीडियो में देखा होगा। जी जी। और उसके बाद अपने पैर में पड़ी हुई चप्पल पर थुकवा कर चटवाया जा रहा है। जी जी। और यह कृत्य जी जी चाहे सामाजिक स्तर से देखा जाए, जी राजनैतिक स्तर से देखा जाए, जी जी या संवैधानिक स्तर से देखा जाए, जी जी इसे कतई न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। जी जी जी। और जिसने भी इस तरह का कृत्य किया, जी जी वह जो कानून की धाराएं हैं, जी जी मैं उन्हें कम समझता हूँ। जी जी। क्योंकि देखिए जिस तरह से उस दलित जात के लड़के को पीटा गया, जी मान लीजिए दलित जात के नौजवान उग्र हो जाएं, हाँ जी सड़कों पर उतर आए, जी तोड़ फोड़ करें, जी तो अगला पक्ष भी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया स्वरूप करेगा। जी। तो ऐसे में सामाजिक समरसता जी जी बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। ऐसे में सिर्फ इसके खिलाफ ये 323 जी 504 506 जी और SC ST की धाराएं काफी नहीं है। हाँ, उसमें क्योंकि प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाई गई है। बिल्कुल, सामाजिक उसके सामाजिक और मानसिक जी जी दोनों उसकी विचारधाराओं को बुरी तरह प्रभावित किया गया है इस तरह का कृत्य करके। और मैं आपसे बता दूं कि इस तरह का कृत्य करने वाला जी कोई भी युवक या कोई भी व्यक्ति जी वह तभी इस तरह का कृत्य कर सकता है, समाज विरोधी संविधान विरोधी, जी जब उसे किसी न किसी का राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हो और वह राजनैतिक संरक्षण इस तरह का हो जी कि जिसमें वह बच सके। जी। मुझे लगता है कि यह लाइनमैन जो अपने अहंकार में जी जी पूरी तरह चूर होकर इस तरह का कृत्य किया है, जी जी अगर जांच की जाए, जी जी चूंकि वह सिर्फ अकेला तो घर पर होगा नहीं, उसके और सगे संबंधी होंगे, भाई पटदार होंगे, नात रिश्तेदार होंगे, कहीं ना कहीं उनके नात रिश्तेदार भाई पटदार निश्चित किसी न किसी ऐसे राजनीतिक व्यक्ति से जुड़े हैं जी जो इन्हें यह घमंड रहा होगा कि मैं अगर ऐसा कृत्य करूंगा तो मुझे बचा लिया जाएगा। जी, एक बात और विनीत जी कि इनके इन कृत्यों से जो लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं या हो सकता है महत्वपूर्ण दायित्व पदों पर हों,
जी, तो उनके सम्मान में भी वृद्धि नहीं होनी है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इस घटना से उन्हें भी दो चार होना पड़ेगा, बिल्कुल आज में सवाल उठेंगे। चौबे जी, समाज में जब कोई समाज विरोधी कृत्य करता है जी जी, और वह जब किसी राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ा होता है तो ठीक है, उसके पद का प्रभाव या उसकी प्रतिष्ठा का प्रभाव जी से यदि मामले को दबा दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, तो यह सिर्फ वह अंदर से वह जरूर महसूस करता है कि हमने दबाव तो दिया है जी जी, समाज के लोग हमें पीठ पीछे गाली जरूर देते होंगे। हाँ जी जी जी, और लोग, तमाम लोग ऐसे हैं जो मुंह पर नहीं कह सकते, लेकिन समाज में उसका तुरंत प्रचार होता है कि फलां व्यक्ति ने फलां को बचा दिया है, फलां नेता ने फलां को बचा दिया है। इस मामले में हम समझ सकते हैं कि जैसे कहावत है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो समाज के कोई कोई एक ही व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है, बिल्कुल बिल्कुल, पर एक तरह से कहा जाए कि वह समाज पर एक बहुत बड़ा दाग और धब्बा लग जाता है। बिल्कुल। क्या आप भी उसी तरह की मानसिकता है? और वो ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है जो लोग इस तरह के मौका ढूंढते हैं और अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, तो कम से कम इस तरह की चीजें, मैं अभी एक सप्ताह के भीतर ही जो मध्य प्रदेश का एक वीडियो वायरल हुआ सीधी का जी जी, तो शुक्ला का जी, जिसमें वह एक आदिवासी व्यक्ति के सर पर पेशाब कर रहा है, चेहरे पर पेशाब कर रहा है जी जी, उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया, उसे जेल भी भेजा गया जी जी जी। यहाँ के जनपद के लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद, जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ है जी, उसे देखने के बाद तमाम लोगों की प्रतिक्रिया यही है कि इस व्यक्ति के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। जी जी जी, एक सीधी सी बात है कि कोई भी हो, संविधान के दायरे में ही उसे कार्य करना था। बिल्कुल, अगर देखिए संविधान ही नहीं, हम जैसे लोग कहते हैं हम सनातनी हैं जी जी, या हम हिंदू हैं जी जी, तो हमारा हिंदू वेद पुराण गीता रामायण महाभारत जी जी, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जी जी, वह कहीं भी इस तरह के अनाचार पापाचार दुराचार को स्थान नहीं देते हैं। और जहां तक किसी ब्राह्मण की बात है जी जी, यदि ब्राह्मण इस तरह का कृत्य करता है जी जी, तो वह ब्राह्मण नहीं जी जी। यदि क्षत्रिय किसी दलित किसी कमजोर किसी निर्बल के साथ अत्याचार करता है जी जी, वह क्षत्रिय नहीं जी जी। क्षत्रिय का धर्म है मजबूर मजलूम गरीब की मदद करना जी जी जी। ब्राह्मण का धर्म है समाज की सेवा करना, लोगों को जागरूक करना, उन्हें शिक्षित करना जी जी जी। अत्याचार करना, यदि किसी ब्राह्मण को यह लगता है कि मैं अत्याचार करता हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, तो अत्याचार करने वाला ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं आता है। हाँ, एक लाइन की बात कि भले हाँ, वह ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो लेकिन वह ब्राह्मण नहीं है, स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है। अगर वह ब्राह्मण है तो फिर वह रावण है। निश्चित निश्चित, ब्राह्मण त्याग का प्रतीक है, ब्राह्मण श्रद्धा का प्रतीक है, ब्राह्मण विश्वास का प्रतीक है, और ब्राह्मण के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, केवल समाज की नहीं पूरे राष्ट्र की। बिल्कुल बिल्कुल, इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी समाज में ब्राह्मण एक ऐसा है जो उन सारी चीजों को जैसे विस्पान कर लेता है समाज के लिए। बिल्कुल, तो कमोबेश इस तरह की घटनाओं पर जो हुआ है स्वाभाविक तौर पर काफी गंभीर बात है। पुलिस अधीक्षक महोदय को इस मामले में जी जी बहुत धन्यवाद देते हैं कि जैसे ही उनके संज्ञान में मामला आया है जी जी, उन्होंने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराई है, और वह इस तरह का कृत्य करने वाला जी जी अनाचारी व्यक्ति जी गिरफ्तार भी कर लिया गया है जी जी। और समाज के लोग जी, क्योंकि आपका यह जो यूट्यूब चैनल है जी जी, इसे जनपद के तमाम लोग तमाम ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े ध्यान से सुनते हैं और इसकी प्रतिक्रिया भी आती है जी जी, और लोग पसंद करते हैं जी जी जी। इसके माध्यम से लोग यही चाहते हैं कि इस व्यक्ति को अभी और धाराओं में पाबंद किया जाए, जिससे इसे अच्छा सबक मिले, क्योंकि देखिए SC/ST की धारा में इसको जमानत मिल जाएगी। एक सीधी सी बात है विनीत जी, जिसे सामाजिक समरसता को खतरा, बिल्कुल, जिसे क्षेत्र में अशांति पैदा होने की, समाज को भड़काने का काम किया, इस पर समाज को भड़काने वाला एक धारा लगनी चाहिए। और मेरा निवेदन है आपकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक बसे जी जी, जिसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाकर जी जी, तुरंत गुंडा एक्ट में पाबंद करके जिलाधिकारी महोदय
जो जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से जिला बुंदों के ऊपर सुनवाई करते हैं, जी जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जैसे फास्ट ट्रैक अदालतें हैं, जी जी, कुछ मामलों में दूसरे तीसरे दिन लगातार सुनवाई करके मामले का निस्तारण कर देती हैं, जी जी जी, ऐसे उन्हें भी चाहिए कि इस अनाचारी व्यक्ति के खिलाफ तत्काल सुनवाई करके इसे जिला बदर करें। निश्चित तौर पर वह चाहे एक सीधी सी बात कि वह एक नाम वह व्यक्ति नहीं है, बल्कि जो जिसने भी इस तरह का कृत्य किया है, चाहे वह जो कोई भी हो, चाहे जितना अपने को प्रभावशाली समझता हो, जी जी, उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, ताकि समाज में यह संदेह जाए कि किसी एक व्यक्ति ने किया है बल्कि पूरे समाज ने ही किया है। जी जी बिल्कुल। और जो व्यक्ति जिसके साथ इस तरह का अन्याय हुआ है उसे भी हम महसूस होना चाहिए। मतलब इतना इतना कैसे लोगों के अंदर साहस आ जाता है कि साथ में, और ताज्जुब की बात यह है जी, मुझे जो पता चला है जी कि वह वीडियो अपने मित्रों से स्वयं बनवाया जी जी, इसकी वीडियो बनाओ, हम मार रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, इसकी वीडियो बनाओ, रिकॉर्ड रहे, जी जी जी, मतलब इतना साहस, इतना मनोबल ऊंचा है। हाँ, कि हमारा कोई क्या कर लेगा, अगर खुद कोई वीडियो इस तरह का कृत्य कर रहा है, बनवा रहा है, तो काफी कुछ इसमें। एक बात और है जो दूसरा पक्ष हम मानते हैं कि मान लीजिए कि अवैध बिजली थी, बिजली चोरी थी, तो उसमें सुसंगत धाराओं में कार्रवाई। अभी माननीय ऊर्जा मंत्री का 3 दिन पहले बयान आया था कि जो बड़े बकायेदार हैं लगभग पूरे प्रदेश में 8,000 के आसपास, रात को उनके यहाँ फोन किया जाए, उनसे वसूली की जाए, उनके साथ सख्ती बरती जाए। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ के तमाम सब स्टेशनों से जुड़े हुए अवर अभियंता और उनके संविदा लाइन मैन, जी जी, चूंकि देखिए कुछ विभाग ऐसे हैं जी, जैसे वन विभाग हुआ जी, वो खुद मुकदमा करता है जी, खुद सुनवाई करता है, खुद फैसला करता है, जी जी जी, आपका सिंचाई विभाग के लोग हैं जी, खुद मुकदमा करते हैं अपनी जमीन का, उनके अलग मजिस्ट्रेट होते हैं जी जी, वह कार्रवाई करते हैं जी जी जी। उसी तरह बिजली विभाग में इतना निरंकुशपन आ गया है कि यह लोग करते क्या हैं, जब किसान जी जिनके पास 2 किलोवाट के कनेक्शन है जी जी, या 1 किलोवाट के कनेक्शन है जी, बड़े बड़े लोग तमाम बिजली की चोरियां कर रहे हैं, किसान सबसे मजबूर व्यक्ति है इस दुनिया का, जी जी जी, जब किसान कहीं उसको अगर पानी की जरूरत हो गई घंटे 2 घंटे मोनोब्लॉक चलाने के लिए जी, तो नहर पर ऑलरेडी नहर का कनेक्शन तो होगा नहीं जी जी, वह मोनोब्लॉक नहर में लगा लिया या किसी तालाब में लगा लिया, किसी कुएं में लगा लिया जी जी, किसी नदी नाले में लगा लिया, तो इनके संविदा लाइन मैन जाते हैं और ताज्जुब करेंगे कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रमाण है कि जिनके पास जी न मोनोब्लॉक है न समरसेबुल है, उनके ऊपर भी ये लोग बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किए हैं जी जी जी। और यह यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को मैं बता चुका हूँ जी जी जी, क्योंकि वह लोग ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे किसानों का भला हो। अभी पिछले दिनों बिजली कर्मियों की हड़ताल हुई थी, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उस पर। जो वास्तव में ईमानदार बिजली कर्मी है जी, वे इस व्यवस्था से काफी हद तक दुखी है, दुखी है बिल्कुल। और दूसरी तरफ अभी एक स्टेटमेंट माननीय ऊर्जा मंत्री जी का आया है, के शर्मा का, कि ऐसा लगता है कि बिजली विभाग का कोई माई बाप नहीं है। अभी पूर्ववर्ती जो अभी गए हैं अच्छा महोदय बिजली विभाग के जी जी, क्योंकि इनको पता था कि हमारा ट्रांसफर 2-4 महीने में होगा जी जी, या कुछ इनके कुछ अवर अभियंता रिटायर हुए हैं जी जी जी, उन अवर अभियंताओं को भेजकर इस तरह के कई मुकदमे करवाए हैं, और जिसमें किसानों से जी जी राजस्व जमा करवाया गया जबरिया जी जी, उन्होंने कहा, या तो फिर ले दे करके मामले सुलटाए जा रहे हैं जी 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 जी। एक तरह से कहा जाए कि और आपका प्रश्न जो था वो जायज था कि अगर उसने बिजली चोरी की जी जी, या बिल नहीं दिया जी, तो आप विधिक कार्रवाई करते निश्चित तौर पर। अगर वो जोड़ लिया दोबारा आकर पुनः कर देते और एक नोटिस सुना देते कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, संविधान विरोधी काम कर रहे हो। निश्चित किसी आप सार्वजनिक रूप से सड़क पर किसी को पीटेंगे, फिर सार्वजनिक रूप से अपने चप्पल पर ठुकवा कर चटवाएंगे। इवन यह सीधी सी बात की जाए कि हमारे जो संविधान में व्यवस्था दी गई है, पुलिस भी किसी काम का अन्वेषण करती है, पता करती है, न्याय देने का काम न्यायपालिका करती है। यहाँ तक कि पुलिस भी किसी को नहीं मारती, जरूरत पड़ने पर वह आवश्यक बल प्रयोग करती है, बल्कि अपने बचाव में। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई अगर कहता है, कुछ पुलिस वाले जो अपने बड़े संपर्क में हैं जी जी, उनसे जब बात होती है कि इतने बड़े बदमाशों को क्या आप लोग पीटते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब तो एक एक हाथ चलाने की हम लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। जी जी जी,
तमाम तरह की वैधानिक कार्रवाइयां हैं, मानवाधिकार है, तो सामाजिक संगठन है, तो ये है, तो बस उनको वही एक अधिकार है कि अपनी सुरक्षा में, या मान लीजिए कोई गंभीर अपराधी है तो जहां जरूरत पड़ेगी तो आवश्यक बल प्रयोग करने का उनके पास अधिकार है, जरूरत पड़ गई तो पीटने का मारने का इस तरह कहीं कोई अधिकार पुलिस के पास भी नहीं। लेकिन यह अत्यंत दुखद है, हम तो कहते हैं कि शर्मनाक है, घृणित है, जितनी भी निंदा की जाए मुझे लगता है वह कम है। और अच्छा, आप क्या अपील करेंगे सोनभद्र के वासियों से इस तरह की घटनाओं के बारे में? सोनभद्र के वासियों से हम यही अपील करेंगे कि यह वीडियो देखने के बाद जी जो भी नौजवान जी जी आक्रोश में है जी, या वह दुखी है जी जी, चाहे उस जिस जात का वह युवक है उस जात के लोग आक्रोशित हैं, तो उनसे यही निवेदन है कि पुलिस अपने हिसाब से काम शुरू कर दी है जी जी, और सामाजिक समरसता को कहीं से ठेस पहुंचाने का कार्य न करें जी जी। लेकिन एक कार्य जरूर करें कि वह इतना दबाव बनाएं अपने पत्रों के माध्यम से जी जी, या अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास मोबाइल फोन है, वह यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय, वहाँ के स्थानीय थाना अध्यक्ष महोदय, स्थानीय पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय, उस सर्किल से बात करें और निवेदन करें जी जी, ऐसे लोगों के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। अब फिर जहाँ योगी जी की सरकार है, पहले से ही यह माना जाता है कि कानून व्यवस्था को लेकर के सख्त है जी, तो मुझे लगता है कि प्रयास किया जाएगा इस मामले में तो निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई होगी। जनपद में भी बुलडोजर इस तरह के लोगों पर चले तो एक दबाव बनेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ के लोगों को भी जो प्रभावशाली या यह कहा जाए कि जिले के कप्तान हैं जो इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेते हैं, कार्रवाई करते हैं, और ऐसे कप्तान को हम सबको सपोर्ट भी करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, बेहिचक कार्रवाई करें, ताकि यहाँ की व्यवस्था को जी। आपने विजय जी, आप मुझसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौबे जी।